Saif Ali Khan, and you're watching Dhanak Television. अच्छा जी, वैसे तो बहुत से लोगों को पता है, हम अक्सर कहते भी रहते हैं कि मेरे वालिद अहमद बशीर साहब, ही वॉज अ वेरी रेनाउंड जर्नलिस्ट, अ वेरी वेल नोन रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल, हॉलीवुड से फिल्म भी पढ़ के आए थे, फिर एक फिल्म बनाई थी जो कि फ्लॉप हो गई थी क्योंकि वो कमर्शियल नहीं थी, लेकिन उस तरह से हमारी फैमिली में कुछ इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स भी हैं और ये एंटरटेनिंग एलिमेंट्स भी हैं. सो हम चारों बहनों में से एक तो आपको पता ही है चली गई अल्लाह के पास. हमारी सबसे बड़ी जो बहन है वो भी राइटर हैं. मेरी फूफी की भी 12 किताबें थीं, उनका नाम था परवीन आतिफ, और मेरी बहन नीलम अहमद बशीर की भी 12 किताबें हैं, बल्कि लास्ट ईयर उनको तमगा इम्तियाज़ मिला उनकी अदबी खिदमात पे. सो ये चौथा सिविल अवार्ड हमारी फैमिली में है. दो पहले, थैंक यू, मेरे वालिद को मिला उनकी अदबी खिदमात पे, फिर मुझे मिला प्रेसिडेंट अवार्ड, फिर मुझे सितारे इम्तियाज़ मिला, फिर मेरी बहन को मिला. सो अल्लाह के फजल से वी आर ब्लेस्ड कि हम अपने ही तौर पे, ना तो हम कभी किसी एकेडमी में गए हैं, ना हमने कोई ऐसी ट्रेनिंग ली है, ना कोई आर्ट स्कूल, ना कोई ड्रामा स्कूल. सो नीलम जो बहन है मेरी, वो बड़ी उस तरह से इंटेलेक्चुअल भी हैं और कुछ फ़नी चीज़ें भी वो लिखती हैं. तो एक बड़ी फ़नी नज़म है जो मैं चाहती हूँ कि अस्मा आपको सुनाएं, इसका नाम है वक्त. जी, 50+ लोग ज़रा गौर करेंगे इस पे, कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा. दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, कल के आशिक आज के बंदर लगते हैं. कौमी बचत के दफ्तर बुढ़े जाते हैं, अपना मंथली खर्च वहाँ से लाते हैं. हम भी गए थे लेने कल कुछ सरमाया, वहीं पे वो जालिम हमसे आ टकराया. गंजा था और हाथ में उसके सोटी थी, पहले से तो मैं भी वैसे मोटी थी. एक दूजे को देखा तो हम डर से गए, दिल में सोचा ये था जिस पे मर थे गए. चेहरे पर हम दोनों के ही झुरियां थी, देख के चलती दिल पे 100-100 छुरियां थी. पेट बड़ा था, ढीली थी उसकी पतलून, हो गया मेरे मुर्दा अरमानों का खून. आज सुबह जब मैंने सर में तेल लगाया था, मेहंदी से बालों में रंग जमाया था, लग रही किसी एक्ट्रेस की मैं मम्मी थी. बाद अज लंच कुछ और बड़ी मेरी टम्मी थी. मैंने ही बेचारे को तब छोड़ा था, जाने क्यों एक प्यार भरा दिल तोड़ा था. वैगन वे वो मुझसे मिलने आता था, रिटर्न कराया याद से लेकर जाता था. बच्चों के बच्चों का हाल ही पूछ लिया, एक के बाद एक बोर सवाल ही पूछ लिया. ऑर्थराइटिस की कोई नई दवा आई, प्यार भरे दो दिनों से एक सदा आई. पूछा कितनी शुगर है तेरी जाना, मैंने कहा तुमने भला कैसे पहचाना. कहने लगा जालिम है स्वीटी वक्त बड़ा, मैंने कहा चल फ्लर्ट न कर हो दूर खड़ा. हार्ट अटैक ना खुद को तुम करवा लेना, ब्लड का प्रेशर ही ना कहीं बढ़वा लेना. ख्वाहिशें और जज्बे तो अब भी बुढ़े थे, कदम कदम पर लगते 100-100 ठुड्डे थे. गौरतलब शेर है, वॉकर से फिर उसने मेरा पांव छुआ, वॉकर से फिर उसने मेरा पांव छुआ, वो तो सुन था लिहाजा मुझे कुछ ना हुआ. पैसे लेने लाइन में घंटों खड़े रहे, नैनों में पर नैन हमारे गड़े रहे. दर्द से मेरा घुटना बिल्कुल खड़क गया, वो समझा मेरा दिल उसे देख के धड़क गया. मैंने कहा सुन सजना अब मैं बेवा हूँ, खुश सही पर विच्चों मिठा मेवा हूँ. बोला मैं ना समझ सका क्या तुमने कहा, सॉरी स्वीटी अब हूँ जरा ऊंचा सुनता. मिला जब उसको कैश तो उसका फोन बजा, मनमोहनी सी स्माइल से उसका फेस सजा. कहा मेरा ड्राइवर आया है, सी यू बाय बाय. मैंने खिड़की से झांका तो की हाय हाय, प्यारी सी एक लड़की गाड़ी से निकली, लेट्स गो डार्लिंग कहकर उससे चिपक गई.
बटुआ उसके हाथ से झटपट थाम लिया, धीरे से फिर प्यार से उसका नाम लिया। टाटा किया जालिम ने और मुंह मोड़ गया, हाय कमीना बंदर मुझको फिर छोड़ गया। आप लोगों में से कुछ लोगों को याद होगा कि जब हमने कुछ साल पहले एक पीस सॉन्ग किया था गवांडने गवांडने, वो भी नीलम का लिखा हुआ था, हमारी बहन का, और वो जाहिर है उस तरह से तो हम नहीं कर पाते क्योंकि म्यूज़िक के साथ था वो। खैर, एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो अमेरिका के लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार है, इसका नाम है कोलंबस का अमेरिका। ये भी नीलम ने लिखा है। वो 20 साल अमेरिका में रही हैं, उसके बाद खैर से वो वापस पाकिस्तान चली गई, और मगर सब जाहिर है कि कल्चर सब उनका देखा भाला। क्या ढूंढा है अमेरिका के दुनिया हुई हैरान, ए भाई कोलंबस तेरा एहसान है एहसान। क्या ढूंढा है अमेरिका के दुनिया हुई हैरान, ए भाई कोलंबस तेरा एहसान है एहसान। तू आया तो लेना पड़ा ना प्लेन ना वीजा, या मुंतजर थी तेरी कोई मेरी नलीजा। खाना पड़ा ना तुझको कभी बर्गर पिज़्ज़ा, तुझको खबर भी थी कि ये मुल्क था ये मुल्क किसी का। मारा वो तूने दाव खुला जब ये बादबान, ए भाई कोलंबस तेरा एहसान एहसान। हम भी चले आए थे यहाँ पाक वतन से, घबरा गए और भाग लिए जबर घुटन से। कोई न जी सके वहाँ अब चैनो अमन से, यूएस का वीजा करते हैं अप्लाई लगन से। मौका जो मिला मार लिया हमने तो मैदान, ए भाई कोलंबस तेरा एहसान एहसान। आकर ये सोचा अब तो बड़े ऐश करेंगे, क्रेडिट का होगा कार्ड जिसे कैश करेंगे। ये ना पता था पंप पे हम गैस भरेंगे, वेटर बनेंगे खानों को हम पेश करेंगे। दो धो के बर्तनों को हुए हम तो कामरान, ए भाई कोलंबस तेरा एहसान एहसान। सोने का अंडा देने को हम मुर्गे बने हैं, पे करने को बिल हम तो यहाँ चरखी बने हैं। बर्फों के मौसमों में यहाँ कुल्फी बने हैं, अमरीका के शहरी तो हैं परदेसी रहे हैं। हम छोड़ बैठे मुल्क मगर छूटी न ये जान, ए भाई कोलंबस तेरा एहसान है एहसान। बूढ़े जो हो गए हैं तो कुछ डर सा लगा है, बेटी का बॉयफ्रेंड कहाँ अपना लगा है। काली या गोरी होगी बहू धड़का लगा है, बेटे का जो हमारे घर में जीना लगा है। रख ली है मैंने दाढ़ी बेगम ने बुरका तान, ऐ भाई कोलंबस तेरा एहसान है एहसान। जाते हैं अब तो दर्स पे और मस्जिदों में हम, पैसा कमा लिया बड़ा नौ हज करेंगे हम। अमरीका में रहकर इसे काफिर कहेंगे हम, सबसे ही अपने देश को कमतर कहेंगे हम। बस 900 चूहे खाए थे जब हम थे नौजवान, है भाई कोलंबस तेरा एहसान एहसान। अमरीका ने हर देश को है पीछे लगाया, है टांग अड़ाई कहीं और कब्जा जमाया। कशकोल हमने थाम लिया हाथ फैलाया, इमदाद मिली लीडरों ने जश्न मनाया। नाजिल हुए आफत की तरह हम पे तालिबान, ए भाई कोलंबस तेरा एहसान है एहसान।